हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी भी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करना एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, यू गेट 1/8 और आपको मिलेंगे 1/8। फाइंड द नंबर, हमें वह नंबर ढूंढना है, कौन सा नंबर है वो। देखिए, कोई भी नंबर, उसकी जगह हम लेट करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, हमने एक्स लेट किया। अब एक्स तो हमने लेट कर लिया, अब उसने बोला है कोई भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना 1/2, तो हम एक्स से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 को, और जो भी उनका रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, आपको मिलेंगे 1/8। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या आएगा देखिए, एक्स अपॉन टू, एंड 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 1 1 से तो 1 ही होता है और 2 2 से 4 होता है। तो हमारे क्या आ गए, एक्स अपॉन 2 माइनस 1/4, अब देखिए इक्वल टू में 1/8। अब हम इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, इसलिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए, एलसीएम लेने के लिए हमको डिनोमिनेटर सेम करना था, तो हम सेम कर लिए। देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो एलसीएम क्या गया 4। अब देखिए, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x, तो 2x माइनस 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू में 1/8। अब देखिए, इसके बाद हम 2x माइनस 1 को तो इधर नहीं लेके जा सकते, 4 को लेके जाएंगे। देखिए कैसे, 2x माइनस 1, अब देखिए यहाँ 4 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए, ये तो x की वैल्यू है, अब बचा माइनस 1, माइनस 1 को हम इधर ले जाएंगे, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। देखिए, 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, तो क्या हो गया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे देखिए, सॉरी 1, एलसीएम लेने के लिए हमको डिनोमिनेटर सेम चाहिए। देखिए, 2x इज इक्वल टू अपॉन 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो क्या आ गया 2। अब देखिए, 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 2 ज़ा 2, अब 2x इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए, जो ये 2x है, 2 को हम इधर लेके जाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। देखिए, x इज इक्वल टू 3/2/2। अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना होता है, देखिए RECI, ठीक है। अब देखिए, 3/2 और जो 2 है प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया हमारा आंसर। मतलब कि हमारा फाइंड द नंबर वो कौन सा था, ये। थैंक्स, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।